कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चौतरफा बिकवाली के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और प्राइवेट बैंक के शेयरों में बाजार पर दबाव दिखा। आज सेंसेक्स 540 अंक टूट गया, हालांकि ये 40,000 के स्तर को बनाए रखने में कामयाब रहा। वहीं निफ्टी आज 11,800 के नीचे फिसल गया। आज की गिरावट में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक की हिस्सेदारी करीब एक तिहाई रही। अमेरिका और यूरोप के कई देशों में फिर से कोरोना के बढ़ते मामले और नए सिरे से लग रही पाबंदियों के मद्देनजर बाजार की चिंता बढ़ी। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज दूसरी तिमाही के नतीजों को पेश किया। सितंबर तिमाही के बैंक का प्रॉफिट 26% बढ़कर 2,184 करोड़ रुपए रहा। बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 17% बढ़कर 3,913 करोड़ रुपए रहा। बैंक को कर्ज देने से होने वाली आय और जमा पर दिए जाने वाले ब्याज के अंतर को एनआईआई कहा जाता है। सितंबर तिमाही के अंत में बैंक का ग्रॉस एनपीए 2.55% और नेट एनपीए 0.64% था। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद बैंक में 31 अगस्त 2020 के बाद से कोई एनपीए सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेरावीक की ओर से आयोजित इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया। ग्लोबल कंपनियों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में निवेश के लिए एक मजबूत पिच बनाई जाएगी और यह आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत होगा। ये वर्चुअल इवेंट 28 अक्टूबर तक चलेगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि टोटल, एक्सॉन मोबिल और शेल जैसी ग्लोबल कंपनियों ने इस सेक्टर में अपनी रुचि दिखाई है। एक अनुमान के मुताबिक देश का ऑयल एंड गैस क्षेत्र में आने वाले 8 से 10 सालों में बड़ा निवेश हो सकता है। टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई से ई और वी बैंड के स्पेक्ट्रम का आवंटन सिर्फ नीलामी के जरिए करने का आग्रह किया है। हाल ही में सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के तहत टेलीकॉम कंपनियों की ट्राई के नए प्रमुख के साथ बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ऑपरेटर्स ने डेटा के लिए न्यूनतम दाम तय करने की प्रक्रिया को भी तेज करने की मांग उठाई। कंपनियों का कहना था कि सभी ऑपरेटर्स इन कीमती स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने और उनकी खरीद करने के इच्छुक हैं। ऐसे में ई और वी बैंड में स्पेक्ट्रम का आवंटन खुली और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए। अगर आपने होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन या क्रेडिट कार्ड लोन लिया है तो दिवाली से पहले आपको बोनस मिलने जा रहा है। सरकार ने मॉरिटोरियम के दौरान कर्ज के ब्याज पर ब्याज माफी की स्कीम को शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया। स्कीम के तहत 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच मियाद में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की भरपाई सरकार करेगी। जिन लोगों ने मॉरिटोरियम का लाभ नहीं लिया है उन्हें भी स्कीम का फायदा दिया जाएगा। बैंकों और लोन बांटने वाले संस्थानों को निर्देश है कि 5 नवंबर तक वो लोगों के खाते में रकम ट्रांसफर करें। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने 6 महीने ईएमआई नहीं चुकाने की राहत दी थी। वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जिन टैक्स पेयर्स के खातों की ऑडिट करने की जरूरत है उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। सरकार ने कोरोना की महामारी के चलते इससे पहले मई में भी टैक्स पेयर्स को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर भरने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी। भगोड़े विजय माल्या से अब तक 3600 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। आज एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्शियम ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। बैंकों ने बताया कि अभी भी माल्या से 11,000 करोड़ रुपए की वसूली बाकी है। अभी विजय माल्या ब्रिटेन में है और उसे भारत वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं। कोर्ट ने उसे भगोड़ा भी घोषित किया हुआ है। आसमान छूती प्याज की कीमतों में कुछ नरमी आई है। इसके भाव 10 रुपए तक कम हो गए हैं। सरकार ने प्याज की बेकाबू कीमत को काबू में करने के लिए इसकी स्टॉक लिमिट तय करने के सहित कई कदम उठाए थे। सरकार के दखल के बाद दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे प्रमुख बाजारों में प्याज के थोक भाव में 10 रुपए प्रति किलो तक की कमी आई है। सरकार ने प्याज की भंडारण की अधिकतम सीमा तय कर दी है। इसके अलावा निर्यात पर रोक के साथ ही आयात बढ़ाने के उपाय भी किए हैं। महाराष्ट्र के लासलगांव में प्याज का थोक भाव 51 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। शक्तिकांत दास ने बताया कि उनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक का काम
सुचारू रूप से चलता रहेगा और वो आइसोलेशन में काम करते रहेंगे। दास ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वे ठीक ठाक महसूस कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी एचडीएफसी बैंक के सीईओ आदित्य पुरी का बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रेरणा देने के लिए आभार जाहिर किया है। पुरी के रिटायरमेंट के मौके पर आईसीआईसीआई बैंक ने उनके बैंकिंग उद्योग में योगदान की सराहना की। पुरी ने एचडीएफसी बैंक की स्थापना से लेकर 25 साल से भी ज्यादा समय तक के लिए इसकी कमान संभाली। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक का तमगा छीनते हुए एचडीएफसी बैंक को उसकी जगह बैठा दिया।